हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर आप भी G5 ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी देर से OTP रिसीव नहीं हो रहा है, तो कैसे आप OTP प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में इसी प्रॉब्लम को फिक्स करके दिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, नहीं तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ऐप से बाहर चले जाना है। ऐप से बाहर जाने के बाद जो है आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स को करना है ओपन। फ़ोन के सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। फ़ोन नंबर पर आपको एयरप्लेन मोड का ऑप्शन मिलेगा, राइट साइड में स्विच मिल जाएगा, स्विच पर क्लिक करके ऑन करना है, फिर आपको ऑफ करना है, बैक जाना है, ऐप्स पर करना है क्लिक, ऑल ऐप्स पर क्लिक करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, आपको देख लेना है ऐप कहां पर है, ऐप पर क्लिक करके ओपन करना है। उसके बाद आपको स्टोरेज एंड केज पर क्लिक करना है, क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है, ओके करना है, बैक जाना है, परमिशन पर क्लिक करना है, कैमरे को परमिशन देना है, लोकेशन को परमिशन देना है, माइक्रोफोन को परमिशन देना है, नोटिफिकेशन को परमिशन देना है, बैक जाना है, फ़ोन को परमिशन देना है, बैक जाना है। उसके बाद जो है आपको प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है, ऐप नेम लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको ऐप का इंटरफेस इस टाइप का देखने को मिलेगा, आपको देख लेना है ऐप की तरफ से कोई अपडेट तो नहीं आया है। अगर आपको ऐप की तरफ से कोई भी अपडेट आता है तो प्ले के जगह पर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, ऐप को अपडेट कर लेना है। अगर आपको ऐप की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आता है तो ऐप को ओपन करना है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हमारे वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।